हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी एन ऑनर अकेडमी। आज आप लोगों के साथ बी एड सेकेंड सेमेस्टर 2022 का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूँ, जिसकी टाइमिंग 3 घंटे है और 80 नंबर का क्वेश्चन है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, सभी प्रश्न के अंक समान हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न विशेषताओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण सहित मांग के नियम की विवेचना कीजिए। मांग के नियम का क्या महत्व है? भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थशास्त्र के एक योग्य एवं सक्षम शिक्षक के गुण क्या हैं, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, अपनी पसंद का अर्थशास्त्र के किसी प्रकरण का चयन कीजिए तथा एक लघु पाठ योजना तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थशास्त्र के आगमनात्मक एवं निगमनात्मक शिक्षण उपागमों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थशास्त्र के कक्षा कक्ष का संगठन आप कैसे करेंगे, विस्तृत व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पर संक्षिप्त उत्तर दीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विकासशील अर्थशास्त्र की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के लक्ष्य क्या हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है, और जिस टॉपिक का वीडियो आपको चाहिए होगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको उस टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड करूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।